नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारनपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के आह्वान पर आज वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष व अल्पसंख्यक पूर्व जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में गांधी पार्क में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ मौन धरना दिया, जिसमें वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फराहत आलम गाड़ा ने बताया कि आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के दिशा निर्देश अनुसार आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में मौन धरना दिया जा रहा है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए पास हुए काले बिल के खिलाफ, युवाओं के साथ झूठे वादे किए गए उन वादों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी जाति के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की बहु बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। इन सभी विषयों को लेकर हम केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ यहां मौन धरना दे रहे हैं। इस अवसर पर सरफराज खान, फराहत गाड़ा, नदीम कुरैशी, फैसल सलमानी, गफूर आलम आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। मैं नदीम कुरैशी, समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ। आज समाजवादी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस गूंगी भैरी सरकार को लेकर 2 अक्टूबर को गांधी जी की प्रतिमा के नीचे मौन व्रत रखने का आदेश दिया था। अभी जो मनीष, देखिए, इस हत्याकांड को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। बड़े ही शर्म की बात है। इस मेरे भोले भाले शांति प्रिय भारत को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। आज इस गूंगी भैरी सरकार में ना तो बहन और बेटियां सुरक्षित है, और ना ही मेरा किसान सुरक्षित है, ना ही मेरा व्यापारी समाज सुरक्षित है। हम तो राष्ट्रपति महामहिम से महोदय से ये अनुरोध करेंगे कि इस गूंगी भैरी सरकार को तत्काल रूप से हटाने का काम करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी सरकार, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आकर सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मेरा नाम फरहाद आलम गाड़ा, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में मौन हमारा धरना है। 2 घंटे वर्ष में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और जिस तरह से देश में बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ, हाथरस क्या बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बेटी के साथ मामला हुआ, उस मामले में उस लड़की की जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, हाथ पैर तोड़े गए, और फिर वो लड़की अपनी ज़िंदगी से लड़ती हुई अपने दिल्ली में उससे ही हो गई। और जिस तरह से फिर पुलिस ने रात को 2:40 पर उसको ले जाकर जाने का काम किया, और उसके घर वालों को, भाई को, माँ को, सबको शक्ल भी नहीं देखने दिया। और अभी आजमगढ़ में, बुलंदशहर में और तमाम जिलों में जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, उन सबको लेकर, और जो किसानों का के लिए जो काला बिल केंद्र सरकार ने पास किया है, उसके खिलाफ जो इन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, उसके खिलाफ व्यापारियों की लूट, डकैती, हत्या हो रही हैं, उसके खिलाफ नौजवान परेशान हैं, छात्र छात्राओं की जिस तरह से स्कूल खुल नहीं रहे, फीस मांगने का काम हो रहा है, उन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में मौन धरना दिया। और मौन धरना देने के बाद अब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, जिस सिलसिले में आज का धरना था।